ये इंदौर शहर वाकई तमाश बीनों का है। आज सुबह 7 बजे से शहर में जो माहौल देखने को मिला वो बहुत ही ख़राब था। कई लोग रहते राज मोहल्ला में हैं और विजयनगर घूम रहे हैं। सब्जी और दूध के बहाने एक घर से कार में 4 लोग बैठकर सामान खरीदने आ रहे हैं। स्कूटर पर माता पिता अपने बच्चों को बैठा कर ले आए हैं, बोले इसको घुमा लाते हैं। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि जिला प्रशासन ने यदि कर्फ्यू लगाया है तो उसका पालन कैसे होगा। 7 घंटे की कर्फ्यू में अघोषित छूट हो गई है। ये ज़रूरी सामान का मतलब आखिर क्या होता है। दूध और सब्जी दवाई की दुकानें चालू हैं, घर बैठे किराना सामान आ सकता है, ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन समाज सेवी संस्थाएँ पहुँचा रही हैं। इतने सारे लोग इंतज़ाम में लग गए हैं। लग रहा है कि कोई भी घर से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शहर में घूम नहीं रहा, फालतू लोग घूम रहे हैं। अपने घर के आसपास दूध और सब्जी लेने जाने में 1/2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता, तो फिर लोग 5 घंटे शहर में क्यों घूम रहे हैं। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने निकल पड़े हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो लोगों को रोके और पूछे कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ सामान खरीदने जा रहे हो, क्या आपके इलाके में सामान नहीं मिल रहा। किराने का सामान हर परिवार रूटीन में महीने 15 दिन का तो रखता ही है। 5 दिन से लोग सामान खरीद रहे हैं, क्या 1 साल का सामान खरीद रहे हैं। रूटीन में हर परिवार सब्जी भी 2-3 दिन की तो ले ही लेता है, तो फिर रोज़ रोज़ सब्जी लेने के बहाने घर से क्यों निकल पड़े हैं। घर का एक व्यक्ति सामान नहीं ला सकता क्या। ऐसे तमाम सवाल सुबह जब मैंने लोगों से पूछे तो लोगों का ये कहना था कि हम घर में कैद हैं, थोड़ा सा इस बहाने घूमने भी निकल गए। ये सुनकर काफ़ी धक्का लगा, मन दुखी हुआ। इंदौर के लोग वाकई तमाशबीन हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि ज़रूरी सामान खरीदने का समय सुबह 7 से 2 की बजाय सुबह 7 से 10 या फिर 11 बजे तक कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है 7 घंटे कर्फ्यू में छूट देने का। अभी तो समय ऐसा है कि प्रशासन को ही देखना ज़रूरी है कि कितने लोग वास्तव में मदद के लिए शहर को चाहिए, सामाजिक संस्थाओं के लोग कितने होना चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जो लोग घूम रहे हैं वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में तो नहीं घूम रहे। सबके पास परिचय पत्र होना चाहिए जो शहर में घूम रहे हैं। कार में यदि 4 लोग बैठे हैं तो चारों किस काम से जा रहे हैं ये देखना होगा। दोपहिया वाहन पर 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों से पूछना पड़ेगा कि किस काम से जा रहे हैं। ज़िला प्रशासन को सख्ती बरतना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी सामान खरीदने का समय कम करना पड़ेगा। दूध और सब्जी तक आसानी से मिल रही है तो फिर शहर में निकलने का क्या मतलब है। इंदौर शहर के लोग आखिर कब सुधरेंगे। कर्फ्यू को मजाक बनाने पर तुले हैं और सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी अपील जारी करते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलें। खुद घर से अनावश्यक फालतू निकल रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम पुलिस ही कर सकती है। इंदौर में पुलिस की सख्ती का असर देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना वायरस अपना असर दिखा देगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।